कश्यप ने ना किसी का रेप किया है, ना वो माफिया है, ना गैंगस्टर है, ना ही कहीं पे उन्होंने कोई बमबारी की है। वो आतंकवादी नहीं है जो आप उन पे एनएसए लगा। मनीष भैया को हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, मनीष भैया आप डरिए मत, आपने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। यहाँ का हर हिंदू आपके साथ डट के खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। हम आपको पूर्णतः तब तक लड़ेंगे जब तक आपको बेइज्जत बरी नहीं करते। हिंदुओं में एकता नहीं है, हम हिंदू ना सिर्फ जाति धर्म ये सब कर रहे हैं, हम हिंदू ना जिस दिन कट्टर हिंदू बन जाएंगे ना सारे और एकजुट होके खड़े हो जाएंगे। मनीष कश्यप एक महीने में क्या एक दिन में भारत सरकार है, उनके घोटाले सामने लाने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सिर्फ 3 महीने के अंदर हम आपकी सरकार पलट देंगे। इतना बोलने पे वहाँ की सरकार इतना तिलमिला गई कि मनीष कश्यप को सीधा कोर्ट के थ्रू वहाँ पे जेल में डाल दिया। अब उनको बाहर भी नहीं आने दे रही है, रख लीजिए कितने महीने रखेंगी मनीष कश्यप को अंदर। वहाँ के मुख्यमंत्री से मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सच को आप दबा सकते हैं, सच दब सकता है लेकिन पराजित नहीं। हिंदू शेरनी हमारा साथ मेगा है और आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं मनीष कश्यप को सपोर्ट करने। और जिस प्रकार से आज दिल्ली के जंतर मंतर पे मनीष कश्यप के रिहाई के लिए आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करके मनीष कश्यप की रिहाई करने के लिए आज आएंगे। आज आपका मेरा सबसे पहले इंडियन टाइम्स न्यूज पर पहली बार आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद मेगा जी। ये बताइए मनीष कश्यप को आप कैसे जानती हैं? जी एक पत्रकार है बिहार के, जिनके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा के बिहार सरकार उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। जी। और रही बात उनको रिहा करने की, तो आप रख लीजिए कितने महीने रखेंगी मनीष कश्यप को अंदर। वहाँ के मुख्यमंत्री से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सच को आप दबा सकते हैं, सच दब सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। क्या लग रहा है मेघा जी, जिस प्रकार से मनीष कश्यप को जो है जेल के अंदर डाला गया है और तारीख पर तारीख मिल रहा है, बाहर आएंगे कि नहीं? बिल्कुल बाहर आएंगे, कौन रोकेगा? सच हम कह रहे हैं ना, सच को आप सिर्फ दबा सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ सच बोलने का काम किया है, धर्म की लड़ाई की है, उनको बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात ये एकता की बात है, हम हिंदुओं में ही एकता नहीं है, हम हिंदुओं में अगर एकता आ जाए तो हम एक महीने में क्या मनीष कश्यप को एक दिन में बाहर निकाल सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि वो लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, बहुत लोग उनको बोलता है कि ये तो घूस लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ये करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो वही नीतीश कुमार के चमचे ही हैं, वो सिर्फ उनपे एलिगेशंस लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक आरोप नहीं लगाएंगे ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे ना। एक के बाद एक FIR, फिर एक तो NSA भी लगा दिया। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि सिर्फ देशद्रोहियों पे लगा सकते हैं। आप एक बताइए, जो पत्रकार है, आप भी एक पत्रकार है, एक पत्रकार के ऊपर आप NSA किस तरह लगा सकते हैं? एक मनीष कश्यप देशद्रोह नहीं है? नहीं बिल्कुल, मनीष कश्यप देश के विरोध में नहीं बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ धर्म का काम किया है, उन्होंने सिर्फ सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। वहाँ की जो सरकार है उनके घोटाले सामने लाने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सिर्फ 3 महीने के अंदर हम आपकी सरकार पलट देंगे। इतना बोलने पे वहाँ की सरकार इतना तिलमिला गई कि मनीष कश्यप को सीधा कोर्ट के थ्रू वहाँ पे जेल में डाल दिया। अब उनको बाहर भी नहीं आने दे रही है, सिर्फ सच बोलने पे आपको सच इतना कड़वा लग गया कि आप उनको सीधा जेल में डाल दिया और ऊपर से NSA भी लगा दिया। NSA उन पे लगाया जाता है जो देशद्रोही होता है। मनीष कश्यप ने ना किसी का रेप किया है, ना वो माफिया है, ना गैंगस्टर है, ना ही कहीं पे उन्होंने कोई बमबारी की है। वो आतंकवादी नहीं है जो आप उन पे NSA लगा रहे हैं। जी, क्या लग रहा है मनीष कश्यप पे लगा हुआ NSA हटेगा कि नहीं, क्योंकि कोर्ट जो तारीख पे तारीख दे रही है? बिल्कुल हटेगा। मदुराई कोर्ट ने वहाँ पे कपिल सिब्बल जी से सवाल किया है कि NSA क्यों लगाया गया, इसका कोई वैलिड रीजन दो। अब कपिल सिब्बल जी को अभी 28 तारीख को जवाब देना था, उनके बाद में देखते हैं। उन्होंने कहा है कि NSA लगाया गया, NSA इतनी जल्दी नहीं हट सकता, NSA बिल्कुल हटेगा, देखते हैं कैसे नहीं हटाते हैं। वो देशद्रोही नहीं है, इसलिए आप उन पे देशद्रोही का एलिगेशन नहीं लगा सकते। मनीष कश्यप जिस तरह बिहार के सौनक बिहार कहा जाता है और जिस प्रकार से युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, क्या लग रहा है अगर वो रिहा होंगे तो पत्रकारिता करेंगे या छोड़ देंगे? पत्रकारिता करेंगे, सच बोलना कोई नहीं छोड़ता, वो बिल्कुल पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच की लड़ाई वो छोड़ेंगे नहीं। और रही बात बिहार के लोगों की, तो हम उनसे इतना कहेंगे, आप लोगों में इतना दिमाग होता है, मोस्टली UPSC IPSC बड़े बड़े एग्जाम्स बिहार के लोग ही क्रैक करते हैं, तो फिर आप ये बताइए, आप लोगों में ये समझ नहीं है कि आपके हित में कौन खड़ा है और आपकी बुराई कौन चाहता है? आपके हित में मनीष कश्यप जी खड़े हैं, जो कि आपके वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ में, शिक्षा के साथ में जो मजाक हो रहा था उसको सामने लाने का काम मनीष कश्यप जी ने किया है। तो आप उनका साथ दीजिए, उनके सपोर्ट में खड़े होइए, ये दिखाइए कि मनीष कश्यप ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। क्या लग रहा है तमिलनाडु सरकार के द्वारा
मनीष कश्यप के विपक्ष में कपिल सिब्बल को रखा गया है और मनीष कश्यप के समर्थन में सिद्धार्थ दवे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कपिल जी का सिद्धार्थ दवे जी सामना कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता, एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही। और जिस दिन सच सामने आएगा नीतीश कुमार और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वो सच को अभी सामने देना नहीं आ रहे हैं। लेकिन सच तो सामने आएगा ही, कितने दिन छुपा के रख लेंगे आप? मनीष कश्यप जी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको आपको रिहा करना ही पड़ेगा, बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। 8 मई को अगली सुनवाई हो रहा है, क्या लग रहा है 8 मई को भी सुनवाई होगा या अगला डेट फिर मिलेगा? बिल्कुल सुनवाई होगी और जो हम उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से और अनुरोध करते हैं आप जो भी फैसला ले मनीष कश्यप जी के हित में फैसला ले, सच को देख के फैसला ले। मेघा जी मनीष कश्यप को क्या मानती है? बिल्कुल हम हीरो मानते हैं जो सच्चाई का काम करता है। देखिए एक त्रेता युग में धर्म युद्ध लड़ा था श्री राम ने, द्वापर युग में धर्म युद्ध लड़ा श्री कृष्ण ने, अब कलयुग में भी मनीष कश्यप वैसा ही एक धर्म युग लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम उनको पूर्ण समर्थन करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनके लिए उन्होंने आवाज उठाई उनके लिए वो एक तरीके से मसीहा है, एक नेता ही है जो कि सच्चाई का साथ देते हैं। जिस तरह मोदी जी और योगी जी सच्चाई का साथ देते हैं वैसे ही मनीष कश्यप भी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बिहार के लोग मनीष कश्यप को जो है पत्रकार से अब नेता बना रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है पत्रकार से उनको यूट्यूबर कह रहा है। आप मनीष कश्यप को क्या कहती है, नेता समझती है, पत्रकार समझती है, एक यूट्यूबर समझती है? जी मैं उनको एक देश का बेटा समझती हूं जो कि देश के लिए और सच्चाई के लिए डटकर खड़े हैं, अपनी गर्दन तलवार पे रख के खड़े हैं, विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। क्या लग रहा है मनीष कश्यप बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। देखिए हम हिंदुओं में एकता नहीं है, हम हिंदू ना सिर्फ जाति धर्म ये सब कर रहे हैं, हम हिंदू ना जिस दिन कट्टर हिंदू बन जाएंगे ना सारे और एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे, मनीष कश्यप एक महीने में या एक दिन में बाहर आ जाएंगे। मनीष कश्यप के लिए मेघा जी का कितना समर्थन है? पूर्णता समर्थन है, पूर्णता समर्थन है और इतना समर्थन है अगर जरूरत पड़ी तो हम बिहार भी आएंगे। मनीष कश्यप के ज्यादातर फैंस हमारे वीडियो देखते हैं क्योंकि मनीष भैया भी हमारे वीडियो देखते हैं, तभी वो फोन करके हमको बोलते हैं कि बेटा भाई यहाँ गलती है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से इतना कहना चाहेंगे आप मनीष कश्यप को पूर्णता समर्थन कीजिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने जो किया देश के लिए किया, धर्म के लिए किया है, सच्चाई के लिए किया है, आप उनको पूर्णता समर्थन कीजिए। मनीष भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो अभी दर्शक देख रहे थे हमारे साथ हिंदू शेरनी मेघा जी है जो मनीष कश्यप का पूर्ण समर्थन करती है और उनको अपना आइडियल भी मानती है। आपका क्या कहना है कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से आप लोगों के लिए काम करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप कब तक बाहर निकलेंगे और आप कौन कौन मनीष कश्यप के समर्थक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, बिहार के प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे, तेजस्वी यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करना चाहूँगा कि मनीष कश्यप की कार्रवाई को त्वरित रूप से जो है उसको जो है संचालित करके मनीष कश्यप पे लगे हुए जो कानून है, मनीष कश्यप पे लगे हुए केस हो उसको कोर्ट में देखा जाए और जल्द से जल्द जो है उनको रिहा किया जाए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।